तो so नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फंक्शन पूरा का पूरा एक्सपेरेंट की पावर में ही गिवन है ये टी है हम्म तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले जब हमें पता होता है बेस सेम होती तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं तो हम इन पावर ऐड जो है इनको सेपरेट कर देंगे हो जाएगा कॉज ऑफ टी एंड की पावर नेचुरल लॉग ऑफ टी सेपरेट हो गए हैं पावर्स हमारे पास ना हमें पता है ई और एक्सपेरेंट जब आपस में आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ठीक है क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स हैं हमारे पास टी रह जाएगा टी को मैं यहाँ लिख दूंगी ई की पावर t टी एंड equal टू दिस सिंपल अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया नाउ हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बट ऑन विच पेस ये है फंक्शन वन ये है फंक्शन टू यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे द डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ठीक है प्रोडक्ट रूल फिर हो जाएगा वाई ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर कॉस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर कॉस टी ही आएगा बट अगेन डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर टी का जो कि है कॉज ऑफ टी नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी टी दैट्स ऑल यहाँ पर टी है हमारे पास e की पावर कॉज ऑफ टी अपनी जगह पे का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस साइन ऑफ टी और इस टी को पहले लिख देंगे ठीक है तो ये हम कुछ इस तरह से लिख देंगे ये वाला टी पहले और कॉस का डेरिवेटिव साइन ऑफ टी माइनस साइन तो माइनस लगाएंगे ई की पावर कॉस टी अपनी जगह पे प्लस कॉज टी अपनी जगह पे टी का डेरिवेटिव क्या होता है वन यहाँ पर वन नहीं लिखेंगे रहने देते हैं ठीक है नाउ लेट्स टेक द कॉमन ताकि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई लगे लेट्स टेक कॉमन वर्ड ई की पावर कॉज ऑफ टी को कॉमन लेते हैं वाई इक्वल टू माइनस टी ठीक है माइनस टी साइन ऑफ टी प्लस वन और हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या हम कॉमन ले लेंगे ई e की पावर कॉज ऑफ टी को अब इसको आप ऐसे लिखें या फिर इसको आप ऐसे लिखें कि वन माइनस टी साइन ऑफ टी एंड ई की पावर कॉज ऑफ टी एंड दैट्स ऑल हमारा जो आंसर है वो आ चुका है होप कि सबको समझ आ गई होगी नाउ नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में हमें क्या गिवन है हमें फंक्शन गिवन है वाई इक्वल टू ई की पावर साइन ऑफ टी विद नेचुरल लॉग टी स्क्वेयर प्लस ऑफ वन ठीक है तो अब हमें जो है फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गिवन है लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है फर्स्ट फंक्शन ठीक है ये है सेकेंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ठीक है तो लेट्स टेक वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू टी ठीक है वाई डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इन टू ऑफ़ सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए नेचुरल ऑफ टी का डेरिवेटिव होगा वन बाई टी और टी स्क्वेयर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो टू टी हो जाएगा वन का डेरिवेटिव जीरो होता है लेट इट बी ठीक है ये हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन ये अपनी जगह पे टी स्क्वेयर प्लस वन नाउ इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का ई की पावर साइन ऑफ टी तो अपनी जगह पे आएगा साइन ऑफ t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा हमारे पास होगा कॉज ऑफ टी ठीक है लेट्स जो है इसको हम क्या कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं सिम्प्लीफाइड टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास रह जाएगा ई की पावर साइन ऑफ टी ये तो कॉमन लेते हैं दोनों से ठीक है यहाँ पर रह जाएगा टू बाई टी टू बाई टी सही है प्लस प्लस है बीच में और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ टी और साथ में ये फंक्शन जो कि है नेचुरल ऑफ टी स्क्वेयर प्लस ऑफ वन एंड दैट सोल्व हमारे पास जो है आंसर आ चुका है बहुत ही ज्यादा सिंपल था प्रोडक्ट रूल था, था दो फंक्शन से बहुत ऑफ अप्लाई कर चुके हैं हमें कोई न्यू बात नहीं है हमारे लिए ये नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है हमारे पास नेचुरल uh, जी अच्छा इंटीग्रेशन है जीरो टू नेचुरल लॉग ऑफ़ एक्स ठीक है फंक्शन हमें गिवन है साइन ऑफ ई की पावर ऑफ टी विद डी ऑफ टी अब देखिए जब हम लोग को जो है इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं तो कुछ जो है हमारे पास फंक्शन यहाँ पर फिक्स होते हैं जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से ठीक है अब वो फंक्शंस क्या हैं लेट्स सी तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को सॉल्व करने के लिए हमें जो है पीछे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी पीछे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स पढ़ाए थे जिसमें था एक लिबनास रूल ठीक है अगर किसी को नहीं पता उस रूल के बारे में और किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जो है वो आ, सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगी बहुत ही इजी वे से मैंने उसको जो है समझाया हुआ था वहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग जो है लिबनास रूल यूज़ करने वाले हैं लेबनीज रूल इसको कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन इसकी बहुत ज़्यादा है हम वो प्रोनाउंसिएशन करेंगे जो हमें पसंद है वो होते थे एक हमारे ना कुछ आई थिंक बी एस के लास्ट सेमेस्टर में कुछ रूल्स थे उनके नाम ही नहीं पता होते थे आ, उस कोर्स का नाम क्या था इंटीग्रल था उस कोर्स का नाम ना बहुत ही अजीब अजीब से थे तो बस एक लड़की ने बहुत ही फ़नी उसको प्रोनाउंस किया बस हम लोग उसको वही बोलते थे <laughs> तो यहाँ पर जो है आ, हमारे पास है लिबनीज़ रूल अच्छा लिबनीज़ रूल को हम लोग जो है किस तरह से अप्लाई करते हैं शॉर्ट सा जो है मैं समरी बता देती हूँ y इक्वल टू इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है जनरल फॉर्म u ऑफ x एंड v ऑफ x है हमारे पास ठीक है विथ फंक्शन f ऑफ टी with डी ऑफ टी ठीक है अब यहाँ पर हम लोग को जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं जनरल रूल यहाँ पर लिख देती हूँ ये होता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स ठीक है मैं जर्नल लिख रही हूँ तो इससे मैं डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स यूज कर रही हूँ सबसे पहले हम लोग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं देन डेरिवेटिव ले लेते हैं किस चीज का डी Uh, v बाई डी ऑफ एक्स ठीक है ना इसका डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लेते हैं देन माइनस एफ ऑफ यू विद ऑफ एक्स और इसको डेरेवेटिव किस रिस्पेक्ट से लेते हैं डी यू बाई डी ऑफ एक्स विद चेन रूल की तरह कुछ होता है ये ठीक है ना अब देखें इधर डी वी बाई डी ऑफ एक्स है क्योंकि उधर वी यूज हो रहा है इधर यू यूज हो रहा है तो डी यू बाई डी ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट क्या है अगर मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करूँ u ऑफ x जो है वो हमें क्या गिवन है जीरो गिवन है और v ऑफ x जो है वो हमें गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ x ठीक है अब मैं इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करूँगी तो नीचे लिखती हूँ ऊपर जनरल वाले को आप ना वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास इसको मैं दोबारा ऊपर लिखती हूँ ना सबसे पहले हम क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी फाइंड करेंगे हम लोग डी वी बाय डी ऑफ एक्स को ठीक है किस तरह से लेट्स सी हम लोग ले लेंगे डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाय डी ऑफ एक्स वी क्या था वी था हमारे पास ये वाला ये था वी ऑफ एक्स ये था यू ऑफ एक्स मैं यहाँ पर मैंशन भी कर दूँगी ठीक है थोड़ा सा नाउ ये है हमारे पास क्या है हमारे पास ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग का एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा वन बाई एक्स आ जाएगा ठीक है ये तो एक सिंपल सा हो गया नाउ सेकेंड चीज जो है हम लोग फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे फाइंड करेंगे हम लोग डी यू बाई डी ऑफ एक्स ठीक है और डी यू क्या था वो था हमारे पास जीरो तो ये जनरली हमारे पास आंसर जो है इसका जीरो आ जाएगा हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे ना ये तो दो, दो चीज़ें हो गई इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तो इसको फिर मैं आगे जाके यूज़ करूंगी ठीक है ये हो गया ना थर्ड स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा टू एव्यूलेट किस चीज़ को करेंगे एफ वी ऑफ एक्स को करेंगे ठीक है तो हम लोग करेंगे एवुलेट एव्यूलेट एफ़ ऑफ वी ऑफ एक्स ठीक है अब हमारे पास जो जो चीज़ें मैंने रूल्स में लिखी थी वही चीज़ें करके हम फाइंड करेंगे तो अगर मैं एफ़ ऑफ v को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एविलेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा फंक्शन क्या था फंक्शन था साइन e की पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x v के रिस्पेक्ट से करी हूं, तो पावर v की रहेगी ठीक है, है अब यहाँ पर मेरे पास क्या है ई आ रहा है और न, न, उसी के पावर में नेचुरल है दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं कैंसिल हो जाएंगे आंसर क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है ना इस चीज़ को हम लोग जो है यहीं पे स्टॉप करेंगे ना फोर्थ चीज़ ले लेंगे फोर्थ चीज़ क्या है प्लग करेंगे ये सारी चीज़, चीज़ हमने फाइन थी इसको हम लोग अपने लिबनाज रूल में लिबनीज रूल में पुट कर देंगे ठीक है अब वो किस तरह से करेंगे लेट्स यूट करेंगे सबसे पहले सब्स टी वी ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ वी बाय डी ऑफ एक्स ठीक है किस चीज़ के इक्वल था वन बाय एक्स के इक्वल था यू ऑफ एक्स जो था वो हमारे पास जीरो था डी यू बाय डी ऑफ एक्स जो था वो जीरो था ठीक है और ये वाला साइन ये तो अभी मैंने फाइंड किया सही है अब मैं क्या करूँगी मैं करूँगी डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ एक्स मतलब जो मेन चीज़ है अब मैं वो लिखूंगी ठीक है यानी फंक्शन को क्या करूंगी डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो चलिए अब मैं सारी चीज़ें पुट करूंगी तो देखिएगा कि किस तरह से मैं अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी अब उसको इकट्ठे करके हम लिखेंगे y इक्वल टू यहाँ पर मैंने y इक्वल टू नहीं लिखा था y dy वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशियट करेंगे ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और वन बाई एक्स माइनस साइन ऑफ ई e की पावर ऑफ जीरो और जीरो ठीक है अब यहाँ पर अगर देखें साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे देगा साइन ऑफ एक्स बाय एक्स लिख दूंगी मैं इसको ई e की पावर ज़ीरो हमें क्या देता है वन देता है और साथ में जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो होल जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो लेट इट बी इसको हम लोग हटा देंगे ठीक है ये सारा हमारे पास ख़त्म हो गया और हमारे पास हमारा वाई ऑफ डेज बहुत ही इजीली फाइंड हो गया बाय यूजिंग लिबनास रूल होप कि सबको समझ आ गई होगी बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था ठीक है और जो है लिबनीज रूल पह, पहले भी समझा चुकी हूँ और मैं खुद भी चेक कर लूंगी कि क्या मैंने समझाया हुआ है क्योंकि कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है कि नहीं ठीक है तो होप कि मैंने इधर भी बहुत सारे डिटेल से पढ़ाया होप कि सबको समझ आ गई होगी नाउ इज जो है क्वेश्चन का का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 36 को भी जल्दी से सॉर्ट आउट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 36 और इधर हमें फंक्शन गिवन है वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर फोर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स विद ई टू नहीं टू नहीं है हमारे पास है ई e की पावर टू ऑफ एक्स काफ़ी मुश्किल जो है इन्होंने हमें पावर दी है फंक्शन इजी है फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ टी विद डी ऑफ टी नाउ लेट्स सी कि इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे